यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जब वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जून 2023 के एंटीनेट का पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अब जो है हम वेट करते हैं उसके रिजल्ट का, और रिजल्ट से पहले जो है वो आती है आंसर की, ताकि अगर कोई क्वेश्चन जो आप आपके हिसाब से जो है वो ठीक है और एनटीए ने जो है वो उसको अगर गलत कर दिया है, तो आप अगर चाहें तो आप उस क्वेश्चन को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। ओके, तो एनटीए ने अभी जो है वो आंसर की आपकी जो है वो रिलीज कर दी है। तो जैसे ही आप जाएंगे अपना यूजीसी नेट की साइट पे, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा सबसे पहले ऊपर पब्लिक नोटिस के अंदर, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर की यूजीसी जून 2023 फेज 1 एंड फेज 2। जो आपका फेज 1 और फेज 2 के एग्जाम जो कंडक्ट किए गए थे आपके 13 जून से 22 जून तक के लिए, 13 जून से लेके 22 जून तक, तो उसकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो एनटीए ने जो है वो जारी कर दी है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर ऐसा एक पब्लिक नोटिस जो है वो आएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है इस पब्लिक नोटिस का वो क्या है, वो है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस। बेसिकली एनटीए ने यहां पे जो है आप जो पेपर में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए, जो भी क्वेश्चन पेपर था उसके आंसर जो आप अटेम्प्ट करके आए वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके सामने होगा जो एनटीए ने आंसर दे रखा है, ठीक है, एनटीए के हिसाब से क्या आंसर बनता है वो आपको दे रखा है। अगर आप उसे सेटिस्फाई हैं, ठीक है, एनटीए ने जो आंसर दे रखे अगर आप उसे सेटिस्फाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जांपल आपके हिसाब से उसका ऑप्शन ए होना चाहिए जबकि एनटीए ने बी दे दिया है, तो उस केस में आप जो है उस क्वेश्चन को जो है चैलेंज कर सकते हैं। सर कब तक का टाइम है? आज 6 तारीख है, 6 तारीख को तो जो है आंसर की को रिलीज किया गया, और जो आपसे ड्यूरेशन जो दिया गया है वो क्या है, 6 से लेके 8 जुलाई। तो 8 जुलाई को 8 बजे तक जो है ये देख ना, 8 जुलाई को 8 बजे तक आप जो है वो आंसर्स को जो है वो आप रिवीजन के लिए डाल सकते हैं, ठीक है ना। पेमेंट 8 जुलाई को 11:50 रात को 11:50 तक जो है आप पेमेंट इसका कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के 200 रुपए जो है वो आपके आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो 200 रुपए पर क्वेश्चन जो है वो आपके चैलेंज की फीस जो है वो लगेगी। तो आप जल्दी से जो है वो जाइए इस लिंक पे, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है आप वहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो डालिएगा, तो आपका आंसर की जो है वो ओपन हो जाएगा, और वहां पे जो आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज हैं और जो एनटीए ने आंसर की दिया है दोनों चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, उनको मैच कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है या कोई पंगा है तो आप जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं। बाकी अभी हम भी जो है एक बार रिव्यू करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं अपना यूट्यूब के ऊपर जो है डाल दूंगा कि आप इन क्वेश्चन को अगर चाहें तो आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अभी जाइए और जाके जल्दी से जो है वो चेक कीजिए और देखिए कि आपके आंसर जो है वो लगभग कितने करेक्ट बैठ रहे हैं। ओके, हाँ जी, तो ये आपका जो साइट है आपका यूजीसी नेट का, ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहीं पे यहां पे जब आप इसको ओपन करेंगे UGCnet.NTA.NIC.in पे, तो वहां पे पब्लिक नोटिस के अंदर सबसे ऊपर जो है वो नोटिस आए हुए अभी, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करते ही आ जाएगा, और यहाँ पे अनेक्षर दोनों दे रखे हैं, अनेक्षर 1 अनेक्षर 2। तो ये कैसे करना है, ये अनेक्षर 2 के अंदर ये सब कुछ दे रखा है। आप अनेक्षर 2 जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर सब कुछ दे रखा है, प्रोसीजर पूरा का पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से आप आंसर की को जो है वो क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। ये बात ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन के जो है वो 200 रुपए हैं, एक क्वेश्चन जो है अगर आप चैलेंज करते हैं तो उसके 200 रुपए जो है वो आपके क्या होंगे, लगेंगे, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, अब बात जो है वो ये है कि इसको जल्दी से आप जो है वो पहले चैलेंज के लिए जो है वो देखिए, आप चेक करो सबसे पहले तो कि आपके आंसर जो है वो कितने करेक्ट बैठे हैं और किन किन क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है वो डाउट है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में आपको जो है वो डाउट है तो उसका आप जो है वो फोटो क्लिक कर लीजिएगा। बाकी अभी बच्चों ने मेरे पास भी भेजे हैं कुछ क्वेश्चन, मैं उनको देखता हूं और कल शाम तक जो है वो हम इसका जो है वो वीडियो आपको बना के दे देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे अकॉर्डिंग जो है वो चैलेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप भी चेक कीजिए, हम भी चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने को जो है वो चैलेंज करने हैं। ओके, हाँ जी, बाकी जो बच्चे दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2023 के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है वो नया बैच स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन बैच परचेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो पेपर नंबर 1 प्लस 1 पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट कोर्स 17 उसकी कोचिंग हम लोग जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम जो आपको कोचिंग देंगे उसमें 4 चीजें आपको जो है वो मिलेंगी। एक तो सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो आपको मिलेगा हार्ड कॉपी के अंदर, प्लस में आपको जो है वो रिवीजन के लिए कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड कराएंगे हार्ड कॉपी में, जो 20 किताबें आएंगी 10 पेपर 1 की 10 पेपर 2 की, उनका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो लेक्चर आपको जो देखने को मिलेंगे। हर लेक्चर लगभग 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर आपको देखने को मिलेगा और लगभग हर यूनिट के जो है 30 से 40 जो है वो लेक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मोटा मोटी अप्रोक्स अगर बात करें तो लगभग 500 से लेके 650 घंटे का जो है वो आपका पूरा कोर्स आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं
तो आपको जो है वो वीडियोस हो गया, वीडियोस के साथ में जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल हो गया, स्टडी मटेरियल के साथ में आपको जो है रिवीजन के लिए हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो देखने को मिलेगा और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है ना जी। चलो अभी जाओ एक बार के लिए और जाके अपना जो है वो आंसर की एक बार चेक कीजिए, बाकी मिलते हैं कल नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।